प्रशासन की वजह से जो है मतलब कुछ घुस घुस खा लिया है, जिसके कारण वजह से जो स्पष्ट नहीं हो पाया, नहीं होकर कुछ आदमी जो है दब के मर भी गया है। अच्छा, जिस चीज को आगे जो है झांप दिया गया है, 5-6 आदमी जो गार्ड था वहाँ का, वो जो उसमें नीचे ही दब गया। तो इस बार किसको सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो देखिए इस बार ये जो चल रहा है चाचा भतीजा का, ये तो नहीं चलेगा अब, ठीक ना? इसमें देखिए यही जो है भागलपुर पुल है जो कि सुल्तानगंज में पड़ता है, और एक एक चीज करके दिखाता हूँ कि ये कैसे पुल टूटा है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और ये पुल टूटने से पहले जो है इंजीनियर को मालूम था कि ये पुल टूटेगा, वो चोरी नुकी करके चुरा कर जो है यहाँ से फरार हो गया। और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बिहार का, वो भी चुरा के मतलब बहुत ही चोरी नुकी करके वो भी इधर से उधर कर रहा है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक ही लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अभी पुल जो टूटा है भागलपुर में डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, और ये सुल्तानगंज के बगल में घाट से गंगा किनारे 100 मीटर की दूरी पे, अभी देख सकते हैं। अभी हम इनसे थोड़ा कुछ जानते हैं कि पुल कैसे टूटा है। मटेरियल ही इसमें पूरा घटिया तरीका का गया हुआ है, हवा में गिर जाता है, क्योंकि ये मनीष कश्यप जी जो है पहले ही इस चीज का जो है देख के हर चीज बता चुके हुए थे कि पुल जो है गिरने वाले थे। ये आजादी का पहला पुल है जो इतना घटिया तरीका से बनाया गया है और घटिया तरीका से गिरा है। साला इससे अच्छा तो पहले का अंग्रेज जमाने का था, जो अभी तक पुल अभी तक पड़ा हुआ है, जो अभी तक 100-200 साल हो गया है, लेकिन अभी भी पुल नहीं गिरा। नाच का है अभी तक चल रहा, बिना पाया का पुल है। पुल जो है मुख्यमंत्री जी से जो है बोले गए थे कि इनको जो है पूरा तरीके से जो है जांच किया जाए, मगर उस चीज पे जो है ध्यान नहीं गया, जिसके कारण पुल टूट गया। हाँ, इसी की लापरवाही से जो है पहले भी हवा में गिर चुका था और इस बार भयानक हो गया। ये देखिए कितना घटिया काम किया है बिहार का सरकार ने, और देखिए मतलब पुल स्टार्ट होने से पहले ही ये जो है पुल गिर गया है। जब सोचा कि अब उद्घाटन होगा इस पुल का, बस ये पुल पहले ही गिर गया है, ताकि किसी भी पब्लिक को मतलब पुल के ऊपर जाने आने से प्रॉब्लम ना हो। कुछ आदमी जो है दब के मर भी गया है। अच्छा, जिस चीज़ को आगे जो है झांप दिया गया है, मतलब कितना आदमी डेट किया है उसके अंदर पुल के गिरने से? 5-6 आदमी जो गार्ड था वहाँ का, वो जो उसमें नीचे ही दब गया, नीचे ही दब गया, उसका पता भी नहीं लगा, अभी तक पता नहीं चला। लगेगा भैया, हम जो बोलते हैं पता नहीं लगा, इधर बोलिए। नहीं, बोल तो ये जो है दब के जो है इसको जो है दब दिया गया है प्रशासनिक तौर पे, जिस अच्छा, तरह से मतलब जो मतलब आदमी उसके अंदर दबा है पुल के नीचे, उसका अभी तक खोज खबर नहीं हुआ है, मतलब प्रशासन भी नहीं बताया गया है। आए हुए थे, बहुत कुछ खोजबीन हुआ, मगर अभी तक स्पष्ट रूप से जो है पता नहीं चल पाया कि दबा है या नहीं दबा है। दबा तो है ही उसमें, क्योंकि कंफर्म है कि ये दबा है, लेकिन प्रशासन की वजह से जो है मतलब कुछ घुस घुस खा लिया है, जिसके कारण वजह से जो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसके अंदर दबा है। हाँ। तो इस बार किसको सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार तो देखिए इस बार ये जो चल रहा है चाचा भतीजा का, ये तो नहीं चलेगा अब, ठीक ना? इसमें जो आना चाहिए जो ढंग के हैं उन्हीं को देखते सुनते हुए बनाना चाहिए। तो देख सकते हैं ये देखिए भाई साहब का कितना गुस्सा है इस सरकार के ऊपर, जबकि नीतीश कुमार जो है वो खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो खुद इंजीनियर का पढ़ाई भी किया है, लेकिन वो एक बार भी निरीक्षण करने नहीं आया है कि पुल कैसे बन रहा है या कैसे गिरा है, उसका निरीक्षण एक बार भी नहीं किया है। आगे जो है कि इस चीज़ का जो है ढंग से जो है जाँच हो, और आने वाले समय में थोड़ा मजबूत बना रहे, जो आदमी का विश्वास बना रहे इस चीज़ पे। ये उद्घाटन होने से पहले जो है चार पाया टूटकर बिखर गया है, देखिए इतना मजबूती से बनाया गया है ताकि टूटे ना। देखिए ये मजबूती के बजाय ये फिलहाल हाफ सेंचुरी सीमेंट डाल के जो है ये बनाया गया है, देख सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इसे देखने के बाद इंजीनियर जो है चोरा नुका के भाग गया है किसी तरह डर के मारे। लास्ट का पाया जो शुरू होता है जहाँ से टूट के गिरा है, देखिए कैसा नज़ारा है। ये देखिए चारों एंगल दिख रहा है ना, ये सभी गलत तरीके से लगाया गया है, जिसके कारण जो है ये उखड़ के बाहर आ गया है। और ये देखिए ये यहाँ पे पाया था जो उखड़ के देखिए नीचे की ओर आ गया है।